अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे और बहुत मज़े में होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। और जनाब, एक नई सुबह के साथ आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपको सबसे पहले तो ये बताऊंगी कि सुबह सुबह सबसे पहले दिन का स्टार्ट कैसे करना चाहिए। देखिए, शहद तो हर घर में मौजूद होता ही है, ठीक है ना। शहद हो गया, दुख लंका हो गया, लेमन हो गया, एप्पल साइडर विनेगर हो गया, और ये चंद इस तरह की चीज़ें हैं जिनका इस्तेमाल हमें अर्ली इन द मॉर्निंग सुबह सुबह पानी के साथ यूज़ करना चाहिए, जो हमारी बॉडी के स्टार्टअप के लिए बहुत ज़रूरी है। एक चीज़ अगर हमें पता है कि चीज़ें बेनिफिशियल हैं तो हम इसको अपनी ज़िंदगी में क्यों नहीं इम्प्लीमेंट करते। एंड सेकेंडली, जो लोग ये सब जानते हैं इन चीज़ों की इम्पोर्टेंस, उन्हें चाहिए कि खुद इसका स्टार्ट लें, इन्हें बनाएं, अपनी फैमिली को खिलाएं, ठीक है। वो सोए हुए भी हैं तो उन्हें उठा के बच्चों को भी और अपने हस्बैंड को भी और सबको आप ये ड्रिंक पिलाएँ, ताकि आहिस्ता आहिस्ता उनकी हैबिट बन जाए और ये आपकी रूटीन का एक हिस्सा बन जाए और आपकी ज़िंदगी का एक हेल्दी स्टार्ट मिले आपकी ज़िंदगी को। जी तो जनाब, ये देखिए मेरे सामने दो ग्लास पड़े हुए हैं, जिसमें एक में मैंने शहद मिलाया है पानी में और दूसरे में मैंने नीम गर्म पानी में तुख मलंगा मिला दिया है, ठीक है। और ये एक बड़ा मग जो है ये खाली है, जिसमें मैं शहद मिला पानी जो है डालने लगी हूँ। ये देखिए, शहद मिला पानी मैंने इसमें ऐड कर दिया है और ये मैं एक मैं खुद पीऊँगी, एक आफाक को दूंगी और एक उनके पापा को दूंगी। जी तो अब मैं ये पानी पीने लगी हूँ, लेकिन इसमें मुझे एक लेमन डालना था। लेमन चूंकि ख़त्म हो हुआ है तो मैं सोच रही हूँ कि हमारे लॉन में एक प्लांट है लेमन का, तो आइए लेमन वहाँ से तोड़ लेते हैं। जी अब मैं लेमन तोड़ने जा रही हूँ। लेमन डाल के पीने से ना ज़रा उसका एक और तरह का असर हो जाता है, जो कि वेट लॉस के लिए भी काम आ सकता है। तो अब मैं अपने नॉन में एंटर हो चुकी हूँ और लेमन का प्लांट देखती हूँ, क्योंकि इस पर लेमन्स लगे हुए तो हैं लेकिन वो कच्चे थे अभी, तो देखती हूँ कि अगर कोई पक गया है या कच्चा ही उतार लूँ, मुझे थोड़ा सा ही चाहिए। तो आइए देखते हैं। सो ये देखिए, लेमन लगे हुए हैं, नज़र आ रहे होंगे आप सबको, प्यारे प्यारे माशाल्लाह लेमन्स लगे हुए। अब मैं इनमें से, वैसे येलो तो कोई भी नहीं हुआ अभी तक, सारे ग्रीन ही हैं, इसका टाइम लगेगा इनको पकने में, लेकिन चलें एक लेमन जो है मैं वैसे तोड़ लेती हूँ। फिलहाल तो सारे ही कच्चे लग रहे हैं। ये थोड़ा सा येलो होने लगा है, इसको हम तोड़ लिया है और इस लेमन को अपने ड्रिंक में डाल के पी लेते हैं। बच्चों के यूनिफॉर्म्स भी उतार लूं, क्योंकि अब उनको प्रेस करके देने हैं तो बेहतर है कि उतार ही लिए जाए। अब सर्दियां आ गई हैं तो अब तो रात उतार लेने पड़ा करेंगे। गर्मियाँ गई, जब ये मोजे होती थी कि रात को पड़े भी रहें तो कोई मसला नहीं है, सुबह तक और अच्छे सूख जाएंगे। इतनी प्यारी खुशबू आ रही है इस लेमन की मेरे हैंड से, मैं आपको कह रहा हूँ कि लेमन इतना इसका जो है ना फ्रेगरेंस इसकी तेज़ है कि पूरे हाथ से खुशबू आना शुरू हो गई। ये देखिए जनाब, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। तो लेमन जो नहीं था, चलें इसमें से कुछ तो लेमन जूस निकलेगा ही। मैं चूँकि एक हाथ से मैंने कैमरे को पकड़ा हुआ है, दैट्स व्हाई मैं इसके अंदर लेमन जूस ऐड कर रही हूँ। इसमें इसके बीज भी चले गए हैं, लेकिन मैं वो बाद में निकाल लूँगी। बीजों को हम चम्मच से भी निकाल सकते हैं बाद में, दैट्स नॉट अ बिग इशू। दैट्स इट। तो जनाब, मेरा ड्रिंक अब पीने के लिए रेडी है, लेकिन आप बीज पहले ही निकाल लें ज़्यादा बेहतर है।
अब मैं आटा गूंदने लगी हूँ क्योंकि बच्चों ने आज पराठे खाने हैं। वैसे तो स्लाइस एंड ऑल ये नाश्ता होता है हमारा तकरीबन डेली का, लेकिन थोड़ा सा ना मुझे इस चीज़ का भी एहसास हो रहा है कि ऑब्वियसली बेकरी आइटम्स आर नॉट दैट हेल्दी जितना हमें घर की जो आटा है या इस तरह की चीज़ें ज़्यादा हेल्दी हैं बच्चों की सेहत के लिए। दैट्स वाई अब थोड़ा सा मैंने इस चीज़ पर सोचना शुरू किया है कि अब ब्रेड को थोड़ा सा गुड बाय कहा जाए और कोशिश की जाए कि डेली बेसिस पे पराठे या रोटी और इस तरह की हमें आइटम्स को ज़्यादा यूज़ करना चाहिए अपनी नाश्ते में। जैसे ही अभी आटा गूंद जाएगा मैं इसको थोड़ी देर के लिए रेस्ट पे रखूँगी और उसके बाद मैं पराठे बनाऊँगी बच्चों के लिए। जी तो जनाब, एक तरफ पराठे बन रहे हैं गर्मा गर्म, तवे को आप देख के आपको आइडिया हो ही रहा होगा, और दूसरी साइड पे अब मैंने चाय रखी है यहाँ पे। अच्छा, चाय मैं वैसे मोस्टली इसी तरह बनाती हूँ कि पहले कहवा बना के फिर उसमें दूध ऐड कर देती हूँ, बट समटाइम्स अगर बहुत जल्दी हो तो दूध और जितना भी अगर पानी हमें डालना है या नहीं डालना दूध रख के उसके अंदर पत्ती डाल देती हूँ और साथ में इलायची और सौंफ डाल के हमारी चाय जो है वो जल्दी से तैयार हो जाती है और बहुत ज़बरदस्त चाय बनती है। जी तो जनाब, एक तरफ अब चाय तैयार हो रही है और जब तक इसको बॉयल आता है मैं अंडे बना लेती हूँ बच्चों के लिए। तो ले जी, चाय हमारी पक गई है और इसका बॉयल भी आ गया है, समझे चाय अब कपों में डालने के लिए रेडी है। तो सबसे पहले मैं अपने लिए शुगर फ्री चाय निकाल लेती हूँ, उसके बाद मैं चाय में चीनी या शक्कर जो सब पसंद करें वो डाल देती हूँ, तो सबको फिर कप्स में डाल के दे देती हूँ। तो अब मैं ये कपों में चाय डालने लगी हूँ क्योंकि बच्चे भी वेट कर रहे हैं चाय का, और बच्चे नाश्ता करके फिर स्कूल के लिए निकल जाएंगे, तो इसलिए मैं अब जल्दी जल्दी इनको चाय डाल के दे रही हूँ। और चाय देख के तो वाकई सबका दिल कराता है कि अब हम चाय पी ही लें, क्योंकि चाय एक पाकिस्तान की एक ऐसी फेवरेट आइटम है कि जिनको आदत हो जाए चाय पीने की वो इससे दूर नहीं रह सकते। वो जिस दिन चाय ना पिए उनके सर में दर्द होना शुरू हो जाता है। तो लेकिन खैर, मैं इतनी एडिक्टेड नहीं हूँ चाय की, बट नाश्ते में जो है ना मुझे ज़रूर चाय की क्रेविंग होती है कि नहीं चाय होनी चाहिए। तो बाकी ये है कि ये देखिए तीनों कपों में चाय ऑलमोस्ट डल गई है और अब मैं बच्चों का नाश्ता उनको तकरीबन दे चुकी हूँ। बच्चे नाश्ता कर रहे हैं और चाय उन तक पहुँचने वाली है और उसके बाद वो स्कूल चले जाएंगे। जी तो जनाब, बच्चे स्कूल चले गए हैं और अब मैं फ्री हुई हूँ ये नाश्ता बना के देकर, लंच दे के सब कुछ, और अब बच्चे गए हैं। मैं एप्पल काटे। अच्छा जी, अब मैं आपको ये बॉक्स दिखा रही हूँ जो कि एक किसी आइसक्रीम का बॉक्स है। मैंने इसको संभाल लिया था, मीडियम सा साइज़ है इसका, ना बहुत बड़ा ना बहुत छोटा, और इस पर मैंने नट्स डाले हुए हैं। अच्छा, मेरे पास सौंफ भी पड़ी हुई थी, कुछ जो रंग बिरंगी सी सौंफ होती है, कुछ अखरोट थे, कुछ बादाम थे, तो मैंने इन सबको मिक्स करके इसमें डाल दिया है। तो ये देखिए जनाब, मुस्तफ़ा और बिलाल की छुट्टी हो गई एंड दे आर बैक एट होम। बिलाल की एंट्री चेक करें, आते ही इसने अपने स्कूल की बातें बताना शुरू हो जानी हैं, और ये मेरी भी वैसे शुरू से आदत है, जब से बच्चे स्कूल जा रहे हैं डेली मैंने इनसे पूछना है जैसे ही घर आते हैं कि आज का दिन कैसा गुजरा आपका, क्या हुआ ख़ास, स्कूल में आपकी परफॉर्मेंस कैसी रही, टीचर ने आपको क्या कहा, समथिंग लाइक दैट, कि जिससे बच्चे अपना सब कुछ शेयर करें मेरे साथ। और बिलाल आते ही अपना चिप्स का पैकेट खोल रहा है और देखिए किस तरीके से इसने खोला है। एनीवेज, इंडिपेंडेंट तो हो गया ना खोलने में। और बच्चे तैयार होने के बाद अपना इन्होंने ड्रोन निकाल लिया बाहर और अब ये अपने ड्रोन के साथ प्ले कर रहे हैं। इसको कुछ थोड़ा सा मसला हो गया है ड्रोन को, ये ज़्यादा ऊपर फ्लाई नहीं कर रहा अब, लेकिन जितना भी वो फ्लाई करता है बच्चे उसी से ही उसको एंजॉय कर रहे हैं। मुस्तफ़ा का ये गिफ्ट था ड्रोन, और इसको बहुत शौक था ड्रोन लेने का, तो इसके मामू ने इसको ड्रोन गिफ्ट किया था। और बिलाल को देखिए, ये बास्केटबॉल खेलने की नाकाम कोशिश कर रहा है, मज़े की बात के चेयर के ऊपर खड़ा है और बिल्कुल बास्केट के पास होके खड़ा है, बट देन ऑल्सो उससे कोई गोल नहीं हो रहा। लेकिन एनीवेज, बच्चों की यही छोटी छोटी एक्टिविटीज़ होती हैं जो बच्चे इंजॉय करते हैं और इसमें टाइम स्पेंड करने में मज़ा आता है उन्हें। तो खैर, उसके बाद इसने क्या किया कि चेयर को दूर करके, तो कह रहा था कि मैं दूर से हिट करूंगा तो बॉल चली जाएगी,
एनीवेज बच्चे अपनी खेलने की टेक्निक्स चेंज करते ही रहते हैं और हर टेक्निक में कोई ना कोई इनको फन का एलिमेंट मिल ही जाता है। चलें जी, ऑल द बेस्ट टू ऑल द किड्स। और अब मुझे बाज़ार जाना है बिलाल के शूज़ लेने। आपको पता है सर्दियाँ आ रही हैं और जो पिछले शूज़ हैं वो इसको छोटे हो चुके हैं और एक तो तकरीबन टूट गए हैं, तो दैट्स वाई अब न्यू शूज़ उसने परचेज़ करने थे। तो ये मैं मुख्तलिफ शॉप्स पे गई जहाँ पे मुझे जो शूज़ अच्छे लगे मैंने उनकी कुछ वीडियोज़ भी बना ली और शूज़ की शॉपिंग की मैंने। अच्छा, स्टाइलों पे भी सेल लगी हुई थी तो मुझे भी यहाँ पे बहुत अच्छी वैरायटी नज़र आई। बट यहाँ पे क्या हो रहा था कि जो शूज़ हमें पसंद आ रहे थे उसमें साइज़ नहीं था बिलाल का। और खैर, एनीवेज मुख्तलिफ शूज़ पहन के ट्राई किए एंड एट द लास्ट हमने एक शूज़ ले ही लिया, बट स्टाइलों से नहीं लिया गया, वो बाटा से लिया गया। तो लेकिन शूज़ अच्छा है, हमें पसंद आया है, लेकिन उसकी कोई पिक्चर इसमें नहीं है। एनीवेज ये तमाम शूज़ थे जो हमने कुछ शॉर्टलिस्ट करके तो इसको पहना के चेक किए थे और बच्चों के पाँव तो माशाल्लाह से बढ़ते ऐसे हैं कि आपको पता ही नहीं चलता। तो जनाब, ये तो थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो आज की बहुत अच्छी लगी होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआ में हमेशा याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।